कैंची से चरागों की लवें काटने वालों, कैंची से चरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। दायरे में सिमट कर आएगा, दायरे में सिमट कर आएगा, हर रिवायत से हट कर आएगा। और आंधियों को खबर कर दो, आंधियों को खबर कर दो कि शेर वापस पलट कर आएगा। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। तो बने रहना इस जबरदस्त वीडियो में हमारे साथ शुरू से आखिरी तक। वीडियो को बिना स्किप करें पूरा जरूर देखना मेरे दोस्तों। आओ दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। के दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। मेरी ये पंक्तियां पहुंचाइएगा राहुल जी तक और पहुंचाइएगा नरेंद्र मोदी जी तक भी। के दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, तैयार रहना रायबरेली वालों। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। क्या जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार। जो सियासत की दुनिया है, खुद में एक पहेली है। ये जो सियासत की दुनिया है, खुद में एक पहेली है। क्या बतलाएं कितनी मुसीबत कितनी साजिश झेली है। क्या बतलाएं कितनी साजिश कितनी मुसीबत झेली है। और अगली जो दो लाइन है उस पे आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक जाना चाहिए जो मैं पढ़ने जा रहा हूं। कि ये जो सियासत की दुनिया है, खुद में एक पहेली है। क्या बतलाएं कितनी साजिश कितनी मुसीबत झेली है। आज यहाँ का चप्पा चप्पा एक ही सुर में बोल रहा, आज यहाँ का चप्पा चप्पा एक ही सुर में बोल रहा। राय बरेली के राहुल, राहुल की राय बरेली है। राय बरेली के राहुल, राहुल की राय बरेली है। आज यहाँ का चप्पा चप्पा एक ही सुर में बोल रहा। राय बरेली के राहुल, राहुल की राय बरेली है। राय बरेली के राहुल, राहुल की राय बरेली है। नरेंद्र मोदी जी ने सांसद आवास की चाबियां वापस ले ली महज एक महीने के अंदर। बेघर करने की इतनी जल्दी थी उनको, बहुत प्यारा। और वो शख्स मुस्कुराता हुआ चाबियां दे करके चला आया। मेरा दिल करता है कि मैं कभी कभी पूछूं आप किस मिट्टी के बने हो राहुल गांधी। जब वो 4000 किलोमीटर चल रहे थे तो मैं उनके साथ चला हूं। मैं रायबरेली में खड़ा होकर के रायबरेली की आवाम से ये कहना चाहता हूं कि अरे आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी
चाहिए। रखते हो ना इस बात पर ईमान, मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। मैंने देखा है राहुल गांधी का बहता हुआ पसीना कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मणिपुर से मुंबई तक। मैंने देखा है राहुल गांधी के पैर के छाले। मैं यहाँ एनआईसी ग्राउंड में खड़ा होकर के रायबरेली की आवाम से राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आया हूँ, क्योंकि न तो अभी वो पसीना सूखा है न वो पैर के छाले सूखे हैं। और जिन्हें ये लगता है कि साजिश करके षड्यंत्र करके राहुल गांधी को मिटा देंगे, राहुल गांधी को हरा देंगे, मैं तो उनसे कहना चाहता हूं कि कैंची से चरागों की लवें काटने वालों, कैंची से चरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। राहुल गांधी खुशबू का नाम है, मोहब्बत का नाम है। राहुल गांधी पर इतना हमला किया प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन राहुल गांधी मुस्कुराते रहे और नारा लगाते रहे कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। प्रधानमंत्री कहते हैं राहुल गांधी तो शहजादे हैं, सुना है आपने उनका बयान। इस बीच भी कहते हैं यहाँ संजय कपूर जी बैठे, हमारे दोस्त आरिफ है, सैफ है, धीरज यादव जी है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि राहुल गांधी तो शहजादे हैं। मन करता है कि मैं प्रधानमंत्री जी से पूछूं कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक टी शर्ट एक ट्राउजर में अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर लाखों लोगों को अपने गले से लगाता हुआ एक इंसान निकलता है, वह इस देश के किसानों के साथ खड़ा है, युवाओं के साथ खड़ा है, मणिपुर की बेटियों के साथ खड़ा है। अगर शहजादे ऐसे होते हैं तो हम ऐसे शहजादों को मोदी जी पलकों पर बिठाएंगे, पलकों पर। आप राहुल गांधी को शहजादा कहते हैं और खुद को फकीर बताते हैं। वो फकीर जो 10 लाख रुपए का सूट पहनता है, मोबाडो का चश्मा पहनता है, मोबाडो की घड़ी पहनता है और 8.5 करोड़ के जहाज में दुनिया के चक्कर लगाता है और फिर भाषण देता है कि हम गरीबी खत्म करेंगे। भाई वाह 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 में आ की मात्रा वाह। हिंदुस्तान के बड़े ही मशहूर शायर इमरान प्रताप गढ़ी ने इस वीडियो को आप लोगों के सामने पढ़ा और आपके भाई ने इस पर रिएक्शन दिया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर देना मेरे दोस्तों। और वीडियो पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को आने वाले ऐसे ही खतरनाक वीडियो मिलते रहे और आप उसका पूरा मजा लेते रहे। दोस्तों, रायबरेली का ये बड़ा ही ऐतिहासिक प्रोग्राम रहा। यहाँ से राहुल गांधी ने जीत प्राप्त की है लोकसभा के चुनाव में, बड़े ही ज़्यादा वोटों से यहाँ पर जीत कर वो लोकसभा में पहुँचे हैं। तो जो 400 पार वाली बात वो हो गई बेकार, देश की जनता ने उसे नकार दिया। और सच्चाई आपके सामने, आपने भी रिजल्ट देखा होगा 4 जून को, आप भी सब कुछ जानकारी रखते हो और यह वीडियो को यहाँ तक देखा होगा तो और थोड़ी बहुत जानकारी आपके नॉलेज में आई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो काफी लंबी हो रही है, इसे यहीं पर रोक देता हूं। बाकी की बात, बाकी की गुफ्तगू नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज। दुआओं में याद रखना अपने इस भाई को, बाकी मैं देख लूंगा।